आगामी 4 दिसंबर से होगी उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी। नीलामी में रखे जाएंगे 4,17,49,726 रुपए की अनुमानित कीमत के 127 नग हीरे। सूरत, गुजरात, राजस्थान आदि जगहों से व्यापारी होंगे शामिल। हीरा नीलामी के लिए किए गए समूचे प्रबंध। खबरों के प्रायोजक हैं महाराजा ऑप्टिकल, इलाहाबाद बैंक के सामने पन्ना। महाराजा ऑप्टिकल में कराएं निःशुल्क आंखों की जांच। हीरों के लिए देश दुनिया में विश्वविख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आगामी 4 दिसंबर से कलेक्ट्रेट कार्यालय में के मीटिंग हॉल में उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी की जाएगी। बता दें कि नीलामी में 4,17,49,726 रुपए के अनुमानित कीमत के 127 नग छोटे बड़े हीरे रखे जाएंगे। इसके साथ ही कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित नीलामी में अन्य छोटे बड़े हीरे भी नीलाम किए जाएंगे। बता दें कि खनिज निरीक्षक श्रीमती नूतन जैन ने बताया कि नीलामी के दृष्टिगत नीलामी हॉल में आवश्यक प्रतिबंध सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें शामिल होने वाले व्यापारियों के लिए सर्वसुविधायुक्त हॉल सहित LED लाइट, 8 कमरे, टेलीविज़न और सुरक्षा गार्ड की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यह नीलामी 3 दिन तक चलेगी। नीलामी के पूर्व नीलामी में रखे जाने वाले हीरों का ऑक्शन लगाया जाएगा ताकि व्यापारी इन हीरों को देख सकें। तो महोदय की अध्यक्षता में आगामी 4 दिसंबर को नीलामी में 127 नंग हीरे रखे जाने हैं जिनका कुल वजन 300.13 कैरेट है। लगभग 4,11,00,000 इसकी कीमत आकी गई है। कहाँ कहाँ से मैडम व्यापारी आएंगे इसमें? व्यापारी लगभग सभी जगह से, सभी को सूचित किया गया है ई पेपर के माध्यम से, हमारे ई खनिज के पोर्टल के माध्यम से सभी को सूचित किया गया। और सभी जगह से, मतलब गुजरात से, बम्बई से, दिल्ली से आने की संभावना जताई जा रही है। कितने दिन चलेगी मैडम ये नीलामी? ये नीलामी अनुमानित 3 दिन चलेगी, 4 तारीख, 5 और 6 तारीख को। व्यापारी इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं? व्यापारी इसमें अपनी हिस्सेदारी में 5,000 रुपये का एक राशि जमा करेंगे, उसके माध्यम से नीलामी बैठने के लिए पात्र हो जाएंगे। जो हीरे बिक जाएंगे मैडम, उनके पैसे कितने प्रतिशत काटकर जो हीरा धारक है उनको दिए जाएंगे? जो हीरे, बड़े हीरे बिकेंगे या छोटे हीरे बिकेंगे, उनमें से कि जो भी ऑफसेट प्राइस तय की गई है हीरा पार्की के द्वारा, एक ऑफसेट प्राइस रखी जाती है, उस ऑफसेट प्राइस के ऊपर से नीलामी स्टार्ट होगी। और जितने में भी बिकेगा उसका 11% रॉयल्टी काट कर दुआदार के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।